एजीसी सिस्टम। देखिए ये जो सिस्टम है इसलिए यूज किया जाता है, जो भी हमारे पीक एजीसी एम्पलीफायर एजीसी सिस्टम था उसके जो ड्रॉबैक्स थी उसको ओवरकम करने के लिए केट एजीसी सिस्टम का यूज किया गया। इस सिस्टम में जो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल रेक्टिफायर है वो क्या करता है, कंडक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस पीरियड में। किसकी हेल्प से? सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस पीरियड ही नहीं, इसमें फ्लाई बैक पल्सेस की हेल्प से वो क्या करता है, कंडक्ट करता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। इसी वजह से इसे कीड यानी की जैसे लगा देते हैं, कीड एजीसी सिस्टम बोला जाता है, जो कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सर्किट से जो भी हमारी फ्लाईबैक पल्सेस आती है रिसीवर पे उसके थ्रू कंडक्ट किया जाता है। इसमें क्या होगा, देखिए ये जो हमारा वीडियो सिग्नल है जिसमें सिंक पल्सेस भी ऐड है, ठीक है ना, ये सिग्नल है जो कि वीडियो एम्पलीफायर के थ्रू आया है। अब ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल में ये जो सिंक पल्सेस होती हैं, इतना टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड, ये वाला, सिर्फ इतने ड्यूरेशन में ही एजीसी सिस्टम ऑन कंडीशन में रहेगा। ये जो पल्सेस होती हैं ना, ये फ्लाई बैक पल्सेस होती हैं, जो कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफॉर्मर यानी HOT से जनरेट की जाती है। ये ऑफ पीरियड होता है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो पीरियड होता है ये पीरियड होता है ऑन पीरियड। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें जो वीडियो एम्पलीफायर के थ्रू सिग्नल आता है वो कपल होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल रेक्टिफायर के साथ, जो कि AGC वोल्टेज जो होती है प्रोड्यूस होती है उसके थ्रू, जो प्रोपोर्शनल होती है जितनी सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल ये ट्यूब के साथ भी कनेक्टेड होगी, हो सकती है, और ट्रांजिस्टर के साथ भी कनेक्टेड हो सकती है, यानी यहाँ पे देखिए ट्यूब लगाई गई है, ठीक है ना। ये क्या होती है, बायस्ड होती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही कंडक्ट करती है। जब उस पे की पल्स आएगी, जब उस पे की पल्स अप्लाई की जाएगी तब ये कंडक्ट करती है। इसका जो हमारा इसका जो कलेक्टर होता है वो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होता है, AGC कंट्रोल के साथ कनेक्टेड होता है, जो रजिस्टर 7 के साथ, देखिए वेरिएबल रजिस्टर है, और अनदर साइड इसकी जो प्लेट वाली साइड है, ये साइड प्लेट की साइड, यहाँ पे कैपेसिटर 1, और ये जो सर्किट है ये हमारी हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफॉर्मर को शो करेगा जिसके थ्रू फ्लाई बैक पल्सिस आती हैं, और ये जो वाइंडिंग होती है ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वाइंडिंग होती है। जैसे कि हमने कहा जो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल ट्यूब होगी वो बायस्ड होती है कट ऑफ तक, ताकि वो कंडक्ट कर सके सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उतने टाइम पीरियड के लिए जब तक की पल्स आ रही है, यानी कि जो हमारी की पल्स आएगी और वो उसी टाइम पे कंडक्ट करेगी जब हमारी ब्लैंक जो भी हमारी सिंक पल्सेस आती हैं, यानी कि यहाँ से सिंक पल्स आएगी उसी टाइम पे यहाँ से फ्लाई बैक पल्स आएगी, तब उस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ट्यूब कंडक्ट करेगी, और जो भी फ्लाई बैक पल्सेस होती हैं वो उस पीरियड में जनरेट होती हैं जब हॉरिजॉन्टल जो होती है हमारी रिट्रेस पीरियड होती है, स्वीप सर्किट में रिट्रेस पीरियड होता है, उस टाइम में वो जनरेट होती हैं, उस टाइम में गेन को एजीसी सिस्टम गेन के थ्रू गेन को कंट्रोल किया जाता है। देखिए ये जो सिस्टम होता है ना, ये एक एंड जो गेट होता है, डिजिटल वे गेटिंग की होगी, जो एंड गेट होता है उसके फंक्शन की तरह होता है, यानी कि ये भी ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन होनी चाहिए तभी ये वर्क करेगी, इस तरह से ये कंडक्ट करता है, यानी कि दोनों इनपुट्स ऑन होनी चाहिए तभी हमारी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल आउटपुट आएगी, ठीक है ना। तो इसका बेसिक सर्किट हम देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे रजिस्टर R7 है जो कि एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल है, ये क्या करेगा, एडजस्ट करेगा ग्रिड बायस को, जो ग्रिड पे यहाँ पे बायसिंग है उसे एडजस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा एक रजिस्टर की चेन होती है, देखिए ये देखिए जहाँ पे +70 वोल्ट की सप्लाई के साथ रजिस्टर की चेन है, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 और रजिस्टर 4, ये डिलेड AGC एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं,
डिलेड एजेसिंग हम करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और इसके थ्रू हमारे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो सेक्शन होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का, उस पर गेन प्रोवाइड किया जाता है जो कि -2 से -20 वोल्ट का होगा, और डिलेड आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हमारा सेक्शन होता है उसको ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम में हमने एक ट्रायोड का यूज किया है। ये क्या है? ट्रायोड, ठीक है ना। इसमें वीडियो सिग्नल जो कि अप्लाई किया जाएगा वीडियो एम्पलीफायर के थ्रू ग्रिड पे, यानी यहां से हमारा वीडियो सिग्नल आएगा। ये हमारा वीडियो सिग्नल आया है, और इस सिग्नल को ट्यूब की ग्रिड पे प्रोवाइड, ये ग्रिड है, ये प्लेट है, ये क्या है, कैथोड। तो ये जो सिग्नल है इसको ग्रिड पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, जो ग्रिड है वो डीसी कपलिंग है, किस पे, 100+115 वोल्ट, ठीक है ना। और जो कैथोड है वो ये वाला कैथोड, इस पे जो वोल्टेज है वो है +140 वोल्ट, जो कि डेवलप हो रही है। तो इस टाइम पे जो इन दोनों के बीच ग्रिड बायस होगी, उसका वोल्टेज क्या होगी, यहाँ पे जो ग्रिड बायस वोल्टेज होगी वो होगी 115 -140 = -20, यानी इसके बीच में जो वोल्टेज होगी वो -25 वोल्ट होगी। अगर वीडियो सिग्नल अप्लाई नहीं किया, मान लो यहाँ से कोई वीडियो सिग्नल नहीं आया, तो जो ग्रिड है वो कट ऑफ कंडीशन में रहेगी, ट्यूब जो रहेगी वो कट ऑफ कंडीशन में रहेगी, और कोई भी डीसी पोटेंशियल प्लेट पे नहीं होगा, ट्रायोड पे भी, यानी प्लेट पे भी कोई डीसी पोटेंशियल इस टाइम पे नहीं होगा। लेकिन अगर वीडियो सिग्नल आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फ्लाई बैक पल्सेस भी आती है, जो कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन आउटपुट ट्रांसफॉर्मर के थ्रू आती है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ये जो पल्सेस है ये फ्लाई बैक पल्सेस होती है, ये भी आती है जो ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट पे आती है, और इन्हें फीड किया जाता है कैपेसिटर C1 के थ्रू, यानी कैपेसिटर C1 के थ्रू प्लेट पे फीड किया जाता है, ठीक है। इस टाइम पे प्लेट जो हो जाती है वो पॉजिटिव हो जाती है जब यहाँ पे फ्लाईबैक पल्सेस आती है, और सिंक, क्योंकि इस पीरियड में ही फ्लाईबैक पल्सेस ऑन कंडीशन में होती है, ये जो प्लेट है वो पॉजिटिव हो जाती है, और ड्यूरिंग सिंक पीरियड, ठीक है, सिंक पल्स पीरियड के ड्यूरेशन में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी वीडियो सिग्नल आ रहा है अगर उसका एम्पलीट्यूड लार्ज है तो उस टाइम पे ग्रिड पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। लेकिन वो क्लैंप भी करता है सिग्नल को जीरो पोटेंशियल पे अगर सिग्नल ब्लैंकिंग लेवल तक राइज करता है, ठीक है ना, वो तो उसे क्लैंप भी करेगा। जो ट्यूब होगी वो कंडक्ट करेगी जब प्लेट पॉजिटिव होगी, और प्लेट कब पॉजिटिव होगी, जब यहाँ से फ्लाई बैक पल्स आएगी और यहाँ से सिंक पल्स आएगी, यानी दोनों ऑन होनी होनी चाहिए तभी यहाँ पे कंडक्शन होगी। अब क्या हुआ, प्लेट करंट फ्लो होगा, यानी यहाँ पे ये जो प्लेट है यहाँ पे करंट फ्लो होगा। इस टाइम पे जो कैपेसिटर C1 है वो भी चार्ज करेगा, जब प्लेट साइड नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा ये, और फिर ये चार्ज करेगा, और जो भी इसका चार्जिंग का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, जो ग्रिड होगी उसके कैथोड से लेकर प्लेट, प्लेट से कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C1 से ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वाइंडिंग जो कि एजीसी वाइंडिंग है, इस पे इस तरह से इस पोजीशन में वो क्या करेगा, चार्ज करेगा। और पल्सेस की बीच की ड्यूरेशन जिसमें क्या होगा कि कंडक्शन नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे ये जो पीरियड है जहां जब कंडक्शन नहीं होगी पल्सेस के बीच की ड्यूरेशन, क्योंकि कंडक्शन सिर्फ इतने पीरियड में होगी सिंक पल्सेस के, ये जो पीरियड होता है, तो जब कंडक्शन नहीं होगी तो कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज करेगा, लेकिन जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं करेगा, वो पार्शली डिस्चार्ज करेगा, और उसका जो डिस्चार्ज का पाथ है वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, कैपेसिटर C2, R3, R5, कैपेसिटर 1 और AGC वाइंडिंग, यानी ये रहेगी उसकी डिस्चार्ज करने की जो पाथ है वो,
C2 जो कि AGC फिल्टर कैपेसिटर है, जो हमारा कैपेसिटर होता है, जो टाइम कांस्टेंट होता है सर्किट का वो लार्ज होता है 64 माइक्रोसेकंड से। ठीक है, इसमें जो हमारे डीसी वोल्टेज डेवलप होगी और वो उसको एजीसी सोर्स की तरह सर्व किया जाएगा। ट्यूब कंडक्ट करेगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस पीरियड के ड्यूरेशन में, यानी कि इतने ड्यूरेशन में जिसमें फ्लाईबैक पल्स भी आएगी उस टाइम पे, और तब भी जब वर्टिकल सिंक पल्स अराइव होगी आएगी। तो उसमें देखिए जो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वोल्टेज है, अब वो क्या होगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी ये वाला पॉइंट और पॉइंट बी जिसके बीच में R5 रेजिस्टर कनेक्टेड किया गया है, इन दोनों के बीच में एजीसी वोल्टेज डेवलप होगी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, जो कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को शो करेगा। और ये होता है हमारा कीड एजीसी सिस्टम। वर्टिकल सिंक पीरियड में इसकी टेंडेंसी जो होगी वो वैरी नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है जो कि हमारा कीड एजीसी सिस्टम। और ये जो सेक्शन है, ये वाला R1 R2 R3 R4, ये जो चेन है ये डिलेड एजीसी के लिए होगी, इसको हम अपने डिलेड एजीसी में सिस्टम में करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।